बारिश बहुत जोर हुई थी, अभी आ रहे थे तो भीग चुके हैं, लेकिन आपके बीच में इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी दिखानी थी। ये 1000 स्क्वायर फिट के सारे आप 3 BHK के आपको सारे घर हैं और ये आपको दिखाने थे, तो मैंने सोचा आप आ गए हैं तो इनको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके की प्रॉपर्टी लखनऊ में प्राइम लोकेशन पे और बजट में मिलना बहुत ही मुश्किल है। मेरा नाम है रोहित भदौरिया और आज आपके बीच में हम 1000 स्क्वायर फिट के ये आपको 3 BHK के पूरे घर लेके आए हैं। ये पूरी गेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे टोटल 19 घर जो हैं वो बने हुए हैं, इसमें से आपको 9 घर जो हैं वो आपको अभी बचे हुए हैं आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको सामने में जो आपको ये रोड देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये सारी रोड है, ये आपको 22 फीट की पूरी रोड है। नाली जो है ये पूरी आपको कवर्ड मिलेंगी, सीवर लाइन आपको मिलेगी, पूरी तरीके से गेटेड पीसफुल सोसाइटी मिलेगी। CCTV कैमरे जो हैं वो आपके लगे हुए हैं। इस तरफ वाली जो रोड आप देखेंगे वो 25 फीट की रोड होगी। पूरी तरीके से गेटेड सोसाइटी में ये सारे जो आपको मकान हैं ये आपको बने हुए आपको नज़र आ जाएंगे। लखनऊ में शहीद पथ के पास में बिल्कुल ये आपको घर मिलेंगे, एयरपोर्ट भी बिल्कुल नज़दीक में है, कानपुर रोड भी आपको बिल्कुल नज़दीक मिलेगी। और बाकी डिटेल में हम अंदर चल के बात करते हैं, किस तरीके से ये पूरे घर बने हुए हैं वो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा घर देख करके, क्योंकि ऐसे घर बजट में और 1000 स्क्वायर फिट के वो आपको बहुत कम मिलेंगे। तो अंदर चल के देखते हैं किस तरीके से ये 1000 स्क्वायर फिट के घर बने हुए हैं, ये हम आपको पूरा दिखाते हैं। और यहाँ बहुत अच्छी ये पूरी आपको गेटेड सोसाइटी में इस तरीके के घर जो हैं, CCTV वगैरह कैमरा सारा आपको पूरे लगे हुए आपको नज़र आए, खूबसूरत तरीके की आपको पूरी सोसाइटी जो है ये आपको बनी हुई पूरी नज़र आएगी। अगर इस घर के पूरे एरिया की बात करें तो 1000 स्क्वायर फिट का ये घर है, 1500 स्क्वायर फिट का इसका आपको कंस्ट्रक्शन का पूरा एरिया पड़ेगा। पूरी तरीके से देख सकते हैं, अगर इधर उधर आप दिखा के पूरा दिखाएं तो यहाँ इस तरीके से सारे घर आपको बने हुए नज़र आ जाएंगे। गेटेड सोसाइटी है, हमने बताया सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक वो यहाँ पे सारी आपको बिल्कुल आपको मिलेंगी। अगर इस घर के फ्रंट की बात करी जाए तो 20 इसका आपको फ्रंट पड़ेगा, डेप्थ इसकी आपको 50 की पड़ेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट पे लोहे का बढ़िया सा गेट जो है वो पूरा लगा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। पार्किंग की अगर की बात करें तो आप देखेंगे कि पार्किंग में बड़ी साइज की आपकी पार्किंग है। 1000 स्क्वायर फिट के घर में आपकी कोई भी गाड़ी जो है वो आराम से इसके अंदर आप खड़ी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इन्वर्टर का यहाँ पे पूरा जो स्पेस है ये पूरा इन्वर्टर का स्पेस आपको पूरा लगा हुआ नज़र आएगा। इस तरफ देखेंगे आपका खाली एरिया इस तरफ दे रखा है और यहाँ पे आप गार्डनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। अंदर से देखिए किस तरीके से खूबसूरत तरीके से ये पूरा जो घर है ये बनाया हुआ है। इसका ये ड्राइंग रूम है, फॉल सीलिंग का पूरा काम है, लाइट का पूरा काम है, बढ़िया क्वालिटी की सारी यहाँ पे आपको टाइल्स जो है सारी बढ़िया क्वालिटी की आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं। फिनिशिंग बहुत बेहतरीन तरीके की आपको सारी फिनिशिंग है। इस तरीके की क्वालिटी के घर लखनऊ में और वो भी बजट में वो आपको मिलते नहीं हैं। शहीद पथ के पास में तो आप बहुत सारी जगहों पे ढूंढते रहते हैं ऐसे घर, लेकिन आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे वुडन का बढ़िया क्वालिटी का सारा डोर मिलेगा, विंडो आपको इस तरफ मिल रही है, तो नेचुरल लाइट में भी किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। अंदर से देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका जो डाइनिंग का एरिया है, इस जगह पे आपका डाइनिंग का एरिया यहाँ पे है और पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग का जो पूरा काम है, पूरा फॉल सीलिंग का पूरा काम जो है आपको मिलेगा। इस तरफ से आप देखिए ये पूरा जो आपको मॉड्यूलर किचन है, बढ़िया क्वालिटी का आपको पूरा मॉड्यूलर किचन जो है ये पूरा नज़र आएगा। आप देखेंगे कि क्वालिटी, मैं बार बार क्वालिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारे घर देखते होंगे, इस तरीके की क्वालिटी आपको बहुत कम घरों में मिलती है। एक तरीके से सेमी लग्जरी इसको कह सकते हैं, ये पूरी आपको पूरी प्रॉपर्टी जो है ये आपको मिलेगी। इस सेगमेंट में इस तरीके के जो घर हैं लखनऊ में बजट में वो बहुत ही रेयर नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये स्लैब है काफ़ी मोटी सी आपकी स्लैब है, अच्छी क्वालिटी की सारी आपको स्लैब जो आपकी किचन में लगी नज़र आएगी। यहाँ पे सारी जो एसेसरीज जो नहीं लगी हुई हैं वो सारी लगा के आपको पूरा मिलेगी। यहाँ पे आपको टाइल्स का सारा पूरा काम मिलेगा। इस जगह देखेंगे कि OTS का एरिया जो है, बड़ा सा OTS का पूरा एरिया आपको दिख रहा है।
और अभी बारिश का सीजन है, मैं पहले ही आपको बता चुका था, तो ये अभी इसको कवर करके रखा हुआ है, तो अगर बारिश नहीं होगी इसको आप हटा सकते हैं, तो नेचुरल लाइट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी मिलेगी। इस घर के बेडरूम की बात करें तो ये देखिए आपको घर का पहला जो बेडरूम है, ये आपको घर का पहला बेडरूम आपको पूरा नज़र आएगा। कुछ लाइट नहीं जल रही है तो लाइट हम जलाते हैं इधर की, अभी शायद कनेक्शन इसका नहीं हो रखा है, तो ये आप देखेंगे कि बढ़िया तरीके से इस पर सारा आपको डिज़ाइन के साथ ये पूरी वॉल आपको पूरे मिलेगी। ऊपर में आपको फॉल सेलिंग का पूरा काम मिलेगा, नीचे जो आपकी टाइल्स जो है वो लगी हुई आपको नज़र आ जाएंगी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 बाई 2.5 का लगभग ये आपको रूम जो है ये आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ भी वेंटिलेशन अच्छे से आपको रहे, इस तरफ भी ये दूसरा वेंटिलेशन का पूरा आपको ये एरिया OTS का एरिया पूरा दे रखा है। नेचुरल लाइट में आपको किसी भी बेडरूम में कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। और इस तरीके के जो ये घर हैं, यहाँ पे हमने बताया कि इस क्वालिटी में घर आपको रेयर मिलते हैं। यहाँ पे 9 घर अभी बचे हुए हैं जिसमें उत्तर फेस के भी घर हैं, पूरब फेस के भी आपको घर जो हैं मिल जाएगा। इस तरफ आप देखेंगे कि ये इंग्लिश स्टाइल का आपको पूरा जो वॉशरूम है ये आपको पूरा जो है आपको नज़र आ रहा है, बढ़िया सा आपको बिल्कुल ये वॉशरूम है, अच्छी क्वालिटी का सारा काम जो आपको इस पूरे वॉशरूम में आपको पूरा लगा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। सारा जो इसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल हुआ है पूरे घर में वो ब्रांडेड कंपनियों का सारा कुछ इस्तेमाल हुआ है। इस घर का ये मास्टर बेडरूम या सेकंड बेडरूम जो है उसको आप देखिए किस तरीके से इसका मास्टर बेडरूम बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि बड़े साइज का ये पूरा सारा मास्टर बेडरूम आपको पूरा नज़र आ रहा है। बढ़िया तरीके का सारा आपको फिनिशिंग है, बढ़िया क्वालिटी का सारा जो काम है ये पूरा काम इस घर में आपको पूरा नज़र आएगा। लगभग ये 5 फीट के आसपास इधर आपका जो बाथरूम है ये आपकी जगह छोड़ी हुई है, बाकी आपका मतलब 15 इसका आपको जो इसकी चौड़ान है 15 फीट का लगभग ये आपको पड़ेगा, 15 बाई 12 का लगभग ये आपको रूम जो है ये आपको 15 बाई 12 का रूम आपको मिल जाएगा। ये इस तरफ आप देखेंगे कि ये आपका वॉशरूम जो है इंग्लिश स्टाइल का आपको पूरा जो वॉशरूम है ये पूरा बना हुआ नज़र आ जाएगा। पूरे घर में, पूरे बाथरूम में, पूरे इस वॉशरूम में आपको जो टाइल्स का पूरा काम है वो पूरा लगा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो बेहतरीन तरीके का पूरा बढ़िया तरीके से ये पूरा लग्जरी घर जो है ये आपको दिख रहा है। ऐसे घर आपको हमने बताया कि कम ही मिलते हैं, ये बात बार बार इसीलिए मैं दोहरा रहा हूँ, और ऐसी सोसाइटी में गेटेड सोसाइटी में जहाँ सारी सुविधाएँ हों वहाँ पे तो ऐसे घर कम ही मिलते हैं। 3 BHK का घर है, ऊपर एक रूम और है, और ऊपर से आपको एरिया दिखा देते हैं और सारी जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से सारा आपको दिखेगा। यहाँ पे स्टेयर्स पे देखिए, स्टेयर पे आपको सारा मार्बल जो है अच्छी क्वालिटी का सारा लगा हुआ नज़र आ जाएगा। स्टील की बहुत अच्छी क्वालिटी की जो ग्रिल है वो आपको लगी हुई आपको नज़र आएगी। ऊपर में एक बेडरूम और दिए रखा है, 1000 स्क्वायर फीट में ये पूरा जो घर है ये आपको बना हुआ आपको पूरा नज़र आएगा। यहाँ पे ये जो इसका तीसरा बेडरूम है इसको आप देख सकते हैं, 10 लगभग इसकी चौड़ाई है, 10 बाई लगभग 13 का ये पूरा रूम जो है ये आपको पूरा नज़र आ रहा है। बढ़िया क्वालिटी का सारा पूरे घर में आपको काम मिलेगा, इंग्लिश स्टाइल का यहाँ भी आपको पूरा जो वॉशरूम है ये पूरा बना हुआ आपको पूरा नज़र आएगा। हम आपके बीच में बहुत अलग अलग तरीके के घर लेके आते हैं, बहुत अलग अलग लोकेशन के घर लेके आते हैं, ये घर जो है उनमें एक अलग कैटेगरी का पूरा घर है। अब हम बात करते हैं कि ये घर कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, और आसपास की और जो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइन से सारे इधर इस तरफ भी आपको घर बने हुए नज़र आ जाएंगे, और कुछ घर उस तरफ लाइन में भी आपको बने हुए नज़र आ जाएंगे। पूरे जो घर हैं ये आपको पिलर्स पे बने हुए नज़र आएंगे, बेहतरीन तरीके के पिलर्स पे बने हुए घर हैं, बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल सारा आपको घरों में पूरा इस्तेमाल हुए मिलेगा। यहाँ पे अभी लास्ट फिनिशिंग का जो काम है वो अभी होना है, तो जब आप अगर घर पसंद करते हैं खरीदेंगे तो जो फिनिशिंग का जो काम रह गया है वो सारा आपको करके पूरा दिया जाएगा। अगर घर के लोकेशन की बात करी जाए तो शहीद पथ के पास में ये पूरा घर है, ओमैक सिटी जो पड़ती है शहीद पथ पे, वहाँ से आपको ये 700 मीटर की डिस्टेंस पे पूरा घर मिलेगा। अगर यहाँ बात करी जाए जो कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन है, कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन यहाँ से लगभग आपको 5 साढ़े 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा
चारबाग आपको लगभग 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाएगा। एयरपोर्ट लगभग आपको यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाएगा। एयरपोर्ट की बाउंड्री तो यहाँ नज़दीक ही है, लेकिन एयरपोर्ट आपको घूम करके जाना पड़ेगा, तो लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको पड़ेगी। अगर आपको आलमबाग जाना है, चारबाग जाना है, एयरपोर्ट जाना है, कानपुर रोड जाना है, रायबरेली रोड जाना है, गोमती नगर जाना है, लखनऊ में कहीं भी जाना है, चाहे वृंदावन योजना की तरफ जाना हो, चाहे PGI की तरफ जाना हो, किसी भी एरिया में लखनऊ में जाना है, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। बेहतरीन कॉलोनी में पूरा ये पूरा आपको 1000 स्क्वायर फिट का जो पूरा घर है ये पूरा आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे हमने आपको बताया कि इस तरीके के अभी 9 घर यहाँ पे बचे हुए हैं, बाकी सारे सोल्ड हो गए हैं। तो गेटेड सोसाइटी में इस तरीके का ये बढ़िया तरीके का ये पूरा जो घर है ये पूरा आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, इस तरफ से आप पूरा देखिए, उस तरफ भी कैमरा करके दिखाइए कि ललित उस तरफ किस तरीके से ये ऊपर से पूरा व्यू जो है ये आपको सारा नज़र आता है। सारा यहाँ पे ऐसी जो सोसाइटी हैं, अगर आप प्राइम लोकेशन पे ऐसी सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो आप बस भटकते रहेंगे। आपको इस तरीके की प्रॉपर्टी, ऐसी क्वालिटी की प्रॉपर्टी, ऐसी लोकेशन जो है, जिस लोकेशन की प्रॉपर्टी, वो आपको बहुत ही कम नज़र आती हैं। नीचे चल के और जो चीज़ें हैं वो हम बात कर लेते हैं, जो जो चीज़ें रह गई हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा और आइडिया लग जाएगा कि इस घर, इस प्रॉपर्टी को देखने आपको क्यों आना चाहिए। अगर इस घर पे फाइनेंस की बात करें तो इस घर पे इजीली आपका फाइनेंस हो जाएगा, 90% तक आपका फाइनेंस हो जाएगा। नगर निगम में घर है तो फाइनेंस में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, 90% तक आप फाइनेंस करा सकते हैं। अगर बेसिक एम्यूनिटीज की बात करी जाए तो आसपास में सारी बेसिक एम्यूनिटीज के लिए आपको कहीं भटकने जाना नहीं है, आपको कहीं दूर नहीं जाना है। मात्र 500 मीटर के दायरे में आपको स्कूल, मार्केट, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ जिस लोकेशन पे ये पूरा घर है, ये ओमैक्स सिटी आपने देखा होगा, अगर आप शहीद पथ से आते होंगे तो ओमैक्स सिटी पड़ती है, वहाँ से मात्र 700 मीटर की डिस्टेंस पे मेन रोड पे ये आपको पूरे घर आपको मिलेंगे। इस तरफ की भी आप सोसाइटी देख लीजिए, ये सामने में आपको 25 फीट की लगभग आपको रोड मिलेगी, ये लगभग 22 फीट की पूरी रोड है। बढ़िया तरीके का सारा आपको इन्वायरमेंट है, तो इस तरीके के इन्वायरमेंट में इस तरीके का ये पूरी जो कॉलोनी है ये आपको पूरी बसी हुई आपको नज़र आएगी। तो देखिए भाई, अगर ये घर आपको पूरा पसंद आया है और इस घर को आप चाहते हैं कि विजिट करना है, तो जो दिया हुआ नंबर है उस पर कॉल करके आप विजिट के लिए आ सकते हैं, उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, मेरे से ही बात होगी। अगर आप सीरियस बायर हैं तो आपको ये प्रॉपर्टी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इस तरीके की प्रॉपर्टी आपके बीच में बहुत ही कम लखनऊ में आपको मिलती हैं, वो भी ज़मीन के साथ वाली जो प्रॉपर्टी हैं वैसी, वो आपको बहुत ही कम मिलती हैं। तो अगर ये पूरा आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की प्रॉपर्टी लखनऊ में हम आपके बीच में लगातार लेके आते रहते हैं। अब एक चीज़ जो रह गई है, जो हम आपको चाह रहे थे कि पहले आप पूरी प्रॉपर्टी देखें, उसके बाद जो है उसके प्राइस पे हम बात करते हैं। आपको ये प्रॉपर्टी ज़रूर पसंद आई होगी ऐसा हम सोचते हैं। अगर इस घर के प्राइस की बात करें तो ये घर जो है 65 लाख का है, तो 65 लाख आपने जैसे फर्नीचर वगैरह देखा था तो उसके चार्जेस इंक्लूड नहीं है। तो इस घर को अगर आप खरीदते हैं तो 65 लाख प्लस अदर चार्जेस जो हैं वो आपके लगेंगे। विजिट के लिए जब आएंगे तो वो चार्जेस हम आपको बता देंगे वो क्या चार्जेस होंगे। तो ये 65 लाख की प्रॉपर्टी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्रॉपर्टी ग्रह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ रोहित भदौरिया और इस तरीके के जो वीडियो हैं आपके बीच में लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।